बेटी भाग जा। क्यों माँ? नहीं तो तुझे भी मार डालेंगे। है माँ? वही गंगापुर का थानेदार। गंगापुर का थानेदार कौन माँ? हाँ बेटी, आज से कुछ ही सालों पहले उसी थाने के दरोगा ने तेरे पिता को सिर्फ इसलिए मार डाला था कि उन्होंने एक झूठे केस में गवाही देने से इनकार कर दिया, और आज उसी थाने के दरोगा ने मेरी इज्जत लूट ली। नहीं मैं नहीं। और मुझे आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। बेटी कहीं ऐसा ना हो कि ये कहानी तेरे साथ भी दोहराई जाए। तू भाग जा बेटी, तू भाग जा। माँ, आज के बाद ये कहानी किसी और के साथ दोहराई नहीं जाएगी। कसम है तेरे इस खून के तिलक की। क्या जली माल थी, मजा आएगा कसम से। रुक जा दरोगा। कौन है? तूने मेरी बहन को मार के और मेरी माँ की इज्जत लूट के इस कुर्सी का अपमान किया है। इसके बदले तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी क्या हुआ? खबरदार, नहीं तो गोली मार दूंगी। हट जाओ। याद रखना, आज के बाद ये कुर्सी हमेशा खाली रहेगी। जो भी दरोगा इस पर बैठने जाएगा मैं उसे इसी तरह मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। डाकू बंगला जिसे बेनकाब करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने कसम खाई है कि इस कुर्सी पर बैठने वाले हर इंस्पेक्टर को वो जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके आतंक का ताजा शिकार है इंस्पेक्टर चंदा, जिसको उसने धोखे से मार डाला था। आज भी उसकी मां पागल होकर गांव की गलियों में अपनी बेटी को ढूंढ रही है। तब तो हमें उस खूंखार डाकू का मुकाबला करने के लिए बहुत चालाकी करनी पड़ेगी सर। यू आर राइट इंस्पेक्टर रेगे। उस खूंखार डाकू को खत्म करने के लिए हमारी प्लानिंग क्या होगी सर? अभी थोड़ी देर में तुम्हें हमारी प्लानिंग का पता चल जाएगा। फाइल आ गई हुजूर। आओ माधव आओ। बोलो क्या खबर लाए हो? सरकार, डाकू मंगला कल सुबह हाजीपुर में प्रताप सिंह के यहां डाका डालेगी। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की हुजूर। गुड, ये लो तुम्हारा इनाम, अब तुम जा सकते हो। जी सरकार।
डाकू मंगला, तूने इस कुर्सी से जितने इंस्पेक्टर छीने हैं उतनी ही गोलियों से मैं तेरा शरीर छल्ली कर दूंगा। अरे ठाकुर साहब, हाँ? विवाह मंडप में कन्या को तो लेके आइए। हाँ हाँ, जाओ बिटिया को लेके आओ। बस पंडित जी, कन्या दो मिनट में आ रही है। सिंह, जा और अपनी तिजोरी खाली करके ला। मुझ पे रहम करो मंगला बेटी। खबरदार जो कभी मंगला का बाप बनने की कोशिश की तो। भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुझे ऐसी माफी दूंगी कि तू कभी कोई भूल नहीं कर सकेगा। जा और जल्दी से अपनी सारी दौलत लेकर आ, और जब तक तू वापस नहीं आता तेरा होने वाला दामाद मेरी बंदूक के पास गिरवी रहेगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका मंगला। जरा भी हिलने की कोशिश की है तो तुम्हारे बदन में सैकड़ों सुराख हो जाएंगे। सर उठा के देख, चारों तरफ से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पुलिस ने घेर लिया है। अपने साथियों से कहो कि बंदूकें फेंक दे। बंदूकें फेंक दो। जिस चेहरे को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही हैं, आज वो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मुझे बेनकाब करने वाले कभी जिंदा नहीं रहते दरोगा। Thank you.
आपको। सरदार बम सब खत्म हो गए हैं। सरदार, इससे पहले कि हमको बम से उड़ा दे, हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए। नहीं भूपत, तुम साथियों को लेकर ठिकाने पर पहुंचो और मैं दरोगा की मौत की खबर लेकर आती हूँ। जाओ यहाँ से। मेरी चाल में फंसी गया ना दरोगा, बोल अब क्या होगा? तू मेरी लाश ले जाएगा या मैं तुझे कफन पहनाऊंगी? मुझे मारकर तेरा जीना आसान नहीं होगा मंगला। मुझ जैसे सैकड़ों सर फिरे हमेशा तुझे मारने के लिए आते ही रहेंगे और इसी तरह मरते रहेंगे। सरदार, मैं लालच में अंधा हो गया था। सरदार, अंधा नहीं, लालच से तुझे भूखा कर दिया था, नोटों का भूखा। ले रख ले सारी दौलत, रख ले। इसी दौलत के लिए तूने हम सबका सौदा किया था ना, मगर तू ऐसी दौलत का करेगा क्या? जिसे खर्च करने के लिए तू जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया की हर कानून में गद्दारों की सजा सिर्फ मौत है, मौत। नहीं नहीं सरदार, मुझे माफ कर दो सरदार, मैं वादा करता हूँ ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा सरदार। ठीक है, गद्दारों के वादे पर भरोसा करने वाले बेमौत मारे जाते हैं। अब ना कोई गद्दारी करेगा और ना ही कोई दरोगा गंगापुर थाने की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा। ये क्या विजय? डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? डाकू मंगला ने उन्हें धोखे से मार दिया। नहीं, नहीं। Oh!
सरदारी में सर झुकाने वाले किसी लड़की की आबरू से खिलवाड़ नहीं करते। तुम जाओ बहन, जाओ। मंगला, तूने इस भूखे भेड़िए के मुंह से हड्डी छीनी है, अब इस भेड़िए की भूख तू मिटाएगी। लखना छोड़, छोड़ लखना। लखना नहीं छोड़ेगा तुझे। छोड़, छोड़, छोड़ लखना। मंगला, लखना। बस लखना, तूने मेरा चेहरा नहीं अपनी मौत देखी है। चाचा वो देखो, तेरे भाई को। क्यों? क्योंकि इसने एक लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए थी। एक लौंडिया के लिए तूने मेरे भाई को मार डाला। भूपत! क्या मेरा भाई उस लौंडिया की इज्जत लूटने में कामयाब हो गया था? नहीं। तो फिर किस लिए मारा मेरे भाई को? इसलिए कि मेरे लॉक मना करने के बावजूद वो एक भूखे भेड़े की तरह मुझ पर झपट पड़ा। मेरी इज्जत लूटनी चाहिए उसने। मेरा नकाब नोच कर मेरा चेहरा देख लिया था इसने। अगर हम सब ने कभी तुम्हारा चेहरा देख लिया तो क्या हम सबको मार डालोगी तुम? तेरी इस बात का जवाब यह है भूपत? देखो मेरा चेहरा है किसी में हिम्मत जो मेरी शक्ल देखकर मौत को आवाज दे सके? अरे क्या हुआ तीरथराम? अरे बर्बाद हो गया, अरे लूट गया, अरे जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तो मैंने सह लिया, लेकिन वो जो नया दरोगा आने वाला है वो इन पागल बाप बेटों को कैसे सहता होगा? हवलदार राम, हवलदार राम, हवलदार राम! अरे एक अनाथ बछड़े की तरह क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो लखन बेटे? बेटा! 100 बार कहा कि मेरी माँ की गलती का ऐलान पुलिस स्टेशन में मत करो। पुलिस स्टेशन में हम बाप बेटे नहीं, दरोगा और सिपाही हैं, कानून की दो राहों के राही हैं। अबे ओ चील की चोंच से टपके हुए हड्डी के टुकड़े, देखना बहुत जल्द मंगला डाकू को गिरफ्तार करके ये बंदा बड़ा इंस्पेक्टर बनने वाला है, समझे बच्चू? गधी ना कभी घोड़ी बन सकी है, न सुई तलवार जैसी चौड़ी बन सकी है। क्या कहा तूने? तभी से पेश आओ। जिस सवालदार ने कभी किसी मामूली जेब कतरी को नहीं पकड़ा वो डाकू मंगला को पकड़ेगा। तोप चलाने वाले गुलेल से नहीं खेला करते इंस्पेक्टर। अब मेरा प्लान सुनो, कल ही मैं मंगला को शादी का न्योता दूंगा और 7 फेरे पूरे होते ही उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दूंगा और इस इंस्पेक्टर की कुर्सी पर आराम से बैठ जाऊंगा। बापू जानते हो तुम किस कुर्सी पर बैठे हो? किस कुर्सी पर? इस कुर्सी पर बैठने वाले तमाम दरोगाओं को जान से मारने की धमकी दी है डाकू मंगला ने, समझे? और एक बात और सुन लो बापू, मंगला कभी शादी करेगी ही नहीं, समझे? लखन डार्लिंग, शायद तुम नहीं जानते, घोड़ी रेस में दौड़ने वाली हो या टांगा खींचने वाली, जवान होते ही घोड़े को देख के हिनहिनाने लगती है। वो देखो, लगता है इंस्पेक्टर साहब आ गए। क्या बकते हो तुम? भागो। गुड मॉर्निंग सर। सीधा हाथ।
मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इस गांव की रिपोर्ट लिखने के लिए भेजा था, रिपोर्ट तैयार हुई कि नहीं? सर लिखकर कागज खराब करने की क्या जरूरत है सर, सब कुछ जबानी सुन लीजिए, नो प्रॉब्लम। सुनाओ। आइए ना अंदर आइए। सर इस गांव की बकरियां साल में चार चार बार बच्चे देती है सर, बहुत सेक्सी है सर। और सर अंदर की खास खबर ये है कि जब से इंजेक्शन देके मुर्गियों को अंडे पैदा करने का रिवाज शुरू हो गया है ना, गांव के सारे मुर्गों ने हड़ताल कर दी है सर। शट अप। तुम दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी तो मैंने तुम्हारा ट्रांसफर यहां करवाया है, अगर अब भी तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी ना तो मैं तुम दोनों का ट्रांसफर किसी जंगल में कर दूंगा। माफ करना सर। सर लेकिन असली रिपोर्ट तो यह है सर कि इस गांव में तीन ठाकुरों की तिगड़ी है जिन्होंने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है सर। एक और ठाकुर दादी ठाकुर, डाकू मंगला और ठाकुरों का दुश्मन है, जंगलों में छुपा रहता है और जब भी मौका मिलता है उन ठाकुरों के सर पर पहाड़ दे मारता है। ठाकुर साहब दादी ठाकुर ने आज आपका फिर गोदाम लूट लिया। क्या भक्ते हो, उस हरामजादे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब ऐसी कौन सी जगह दुनिया में ढूंढे अपना माल रखने के लिए जहाँ तक उसकी नजर न पहुँच सके। सारी दुनिया छान मारोगे मगर ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पर दादी ठाकुर न पहुँच सके। कुलन, हमेशा हमारे खिलाफ जहर उगलते रहते हो, न समय देखते हो न जगह। बलवंत काका, अब तो वो जगह तलाश कीजिए जहाँ उसे दफनाया जा सके। ठीक है। आई खिलौने वाली आई, रंग बिरंगे खिलौने लाई, खिलौने वाली आई, बच्चे खिलौने से खेले, तुम बच्चों से खेलो, ले लो खिलौने। ए माला, एक डुगडुगी देना। ले लो ना बाबू। कितना पैसा? एक रुपया। ये ले। चल बेटा। अरे माला, अरे ओ माला, अरे क्यों मुंह मोड़ के मेरा दिल तोड़ के जा रही है? एक बार कह दे आई लव यू तो मैं गाने लगूंगा इलू इलू। देख मैं कहती, छोड़ मुझे जाने दे। अरे क्यों इन मखमली पैरों को धूप में जला रही है? आजा मेरे घोड़े पे बैठ जा, मजे करेगी मजे। देख मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझसे ऐसी वैसी बातें मत किया कर। अरे तो मैं भी तो कई बार कह चुका हूँ, या तो मेरा कर्जा उतार दे या फिर नोटों का बंडल बनकर मेरे दिल की तिजोरी में बंद हो। क्या बात है लड़की, क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े। क्या ओ मिस्टर घोड़े वाले? हमें ठाकुर जसवंत सिंह कहते हैं इंस्पेक्टर, हम ठाकुर बलवंत सिंह के भतीजे हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम उस तिगड़ी की वो बिगड़ी हुई शक्ल हो जिसे यहाँ के लोग ठाकुर एंड कंपनी कहते हैं? हमसे बिगाड़ोगे तो उजड़ जाओगे इंस्पेक्टर, जाओ थाने जाके हमारी मेहरबानी का इंतजार करो। अगर इस दंडे ने तुम पर मेहरबानी कर दी ना तो तुम्हारी चाल बदल जाएगी, चले जाओ। सुना नहीं तुमने, चले जाओ। जाओ, तुम भी घर जाओ। क्या हुआ? चोट लग गई। कहाँ लगी है? मैं पूछता हूँ कहाँ लगी है चोट? पैर यहाँ रखो। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। शरीफ हो दरक बाबू। अच्छा दरक बाबू, एक बात बताओ, कब वो दिन आएगा
जब तुम मुझे अपने दिल के हवालात में बंद करोगे। चंदा बेटी, मैं आ रही हूँ। चंदा बेटी, मैं आ रही हूँ। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दे। जाने दे मुझे, छोड़। चंदा बेटी, माँ, चंदा बेटी, मैं आ रही हूँ। छोड़ मुझे, वहाँ गोलियाँ चल रही है। चंदा बेटी डाकू बंगला से लड़ रही है। माँ, चंदा दीदी को डाकू बंगला ने मार डाला है। मेरी बेटी को कोई नहीं मार सकता। चंदा बेटी डाकू मंगला से लड़ रही है, मैं उसकी टोपी देने जा रही हूँ। बोले पुलिस वाला टोपी बिना गोली चलाए अच्छा थोड़ी दिखता है। मैं आती हूँ। माँ, तुझे याद है जाते समय दीदी ने क्या कहा था? क्या कहा था? समय पर दवाई ले लेना। हाँ, कहा तो था। तू अंदर जाके दवाई पी, ये टोपी मैं देकर आती हूँ। नहीं, लेकिन लेकिन उसकी बात भी मैं कैसे टालूं? हाँ माँ, तू जाकर दवा पी, ये टोपी मैं दीदी को दे आऊंगी। अच्छा। मंगला, तूने माँ की ममता पर डाका डाला है, उसकी हार तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगी। वाह वाह सरदार मंगला, क्या निशाना है। ठाकुर बलवंत, ये डाकू मंगला का ठिकाना है। वाह-वाह करने का शौक है तो किसी कोठे पर जाओ। यहाँ क्या करने आए हो? हम तो ये बताने आए थे कि गांव में नया दरोगा आया है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जिस दिन ऐसी बातों का हमें पता नहीं चलेगा ना ठाकुर, उस दिन मौत हमारा पत्ता काट लेगी। लेकिन सरदार, हमारा एक और नया दुश्मन पैदा हो गया है। जुल्म की कोख ने हमेशा दुश्मन को ही पैदा किया है, दादी ठाकुर जैसा दुश्मन। क्यों, वही है ना तुम्हारा दुश्मन? हाँ, हम चाहते हैं वो तड़प तड़प के मरे, अंधा होके गली गली भीख मांगे। वो सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, हमारा भी दुश्मन है। मगर ये मत भूलो ठाकुर कि सांप अंधा रहकर भी जिंदा रहता है और मौका पाकर डस भी लेता है, इसीलिए उसे मार डालना बहुत जरूरी है। उसे मारने का मौका कल मिल सकता है सरदार, क्योंकि कल हमारा माल सरहद के पार जा रहा है। तो फिर ठीक है, कल माल तुम्हारा होगा, चाल हमारा, और उसमें फंसेगा दादी ठाकुर। फौजी बाबू, गाड़ी जरा किनारे लगाओ ना, हमको गांव जाना है। गांव की तरफ बढ़ने वाले तुम लोगों के पैर अब सीधा जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलेंगे, समझे? काहे बाबू, ऐसा हमने कहा किया है? मासूम और बेगुनाहों की मौत का सामान ले जाते हुए तू ये भूल गया कि हर फौजी की सांस में बारूद की बू रची होती है। वो जहां भी छुपी हो आवाज देकर फौजी को अपने पास बुला लेती है। ये देख, ए फौजी, तू आदमी नहीं है रे, दर्द है, वो भी साले आधे सर का, और तेरा ये दर्द मिटाने के लिए तेरे सर पे मौत का बाम लगाना बहुत जरूरी है। और तू वो नासूर है जिसे नर्क कहते हैं, नर्क, और इस नर्क की आग को बुझाने के लिए सागर की नहीं किसी गरीब के सिर्फ एक आंसू की जरूरत है। और ये भी जरूरी था कि इन हथियारों की खबर तुझ तक पहुंचे। तू आए, अब हम तुझे मारकर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अगर तुझे इतना ही घमंड है अपनी चाल पर तो फिर चला गोली और देख मौत किसे मिलती है और जिंदा कौन रहता है। जिंदा मैं रहूंगी क्योंकि बंदूक मेरे हाथ में है, और मरेगा तू क्योंकि निशाने पर तू है। तू
बापू हवलदार लगता है इससे काम नहीं चलेगा। अरे क्या कर, क्या कर रहा है, फट जाएगा, फेंक फेंक जल्दी। सरदार हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, आत्महत्या करने से तो भाग जाना बेहतर है, चलो। तुम ठीक कहते हो भूपत, आओ मेरे साथ। लोगों को चप्पल छोड़ के भागते हुए देखा था, लेकिन डाकुओं को बंदूक छोड़ के भागते हुए पहली बार देख रहे हैं। जल्दी पीछा करो। मंगला, तेरी चाल का जवाब तो मैंने दे दिया, अब पुलिस से बच सकती है तो बचकर दिखा। रुको रुको, चलो। मुन्नी भाई आते होंगे, भाई थोड़ा सबर तो कर लो मियाँ। जो मेरी खिलती जवान
तेरा नकाब तुझे धोखा दे गया मंगला। मर गई साली, अपना मुंह देखने वाले को मारने वाली। कर्मो, छपरा, शामू। क्या हुआ भूपत भैया, हमारी सरदार कहाँ? मैं तो गोलियों की बौछार से बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। लगता है सरदार पुलिस के हाथों मारी गई है। नहीं नहीं, हमारी सरदार नहीं मर सकती। भगवान करे सरदार जिंदा हो। सरदार को हमें अभी ढूंढना चाहिए। हाँ ढूंढना चाहिए, हमें उसे तलाश करना होगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। चलो 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 चलो। तुम लोगों ने सरदार का मुंह जिंदगी भर नहीं देखा तो उसकी लाश को क्या खाक पहचानोगे? ढूंढते ढूंढते थक जाओगे और आखिर में मुझे ही सरदार बनाओगे। चंदा, चंदा बेटी, तू यहाँ? अरे, लगता है मंगला ने तुझे गोली मार ही दी। मंगला तुझे ढूंढने आ रही है। चलो बेटी। पता नहीं हमारी सरदार कहां चलेगी। चलो उधर चलकर देखते हैं। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। कमीनी, मेरी बेटी को ठीक हो जाने दे, वो तुम सबको देख लेगी। चल चल बेटी, घर चलते, चल आराम से। हाँ धीरे। आराम से बेटा। चंदा, चंदा बेटी, ये कौन है माँ? अरे चंदा है चंदा, देख डाकू मंगले ने कितनी बेरहमी से गोली मारी है। तू तो कहती थी डाकू मंगले ने मेरी बेटी को मार डाला। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बेहोश हुई है। जा जा, छुरी गरम करके ना गोली निकालनी इसकी। हाँ अच्छा माँ, जल्दी। अरे नहीं नहीं, तू मत जा, तू मत जा, तू इसका जख्म साफ कर। मैं जानती हूँ, मैं लेके आती हूँ। अरे बावली, मेरी तरफ क्या देख रही है, उसका जख्म तो साफ कर। मंगला, मेरा बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूं। दादी ठाकुर, क्या हुआ मंगला का? इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगी। वो कैसे? इस बार अगर तुम्हारे निशाने से बच भी गई, अगली बार मेरी गोली से जरूर मरेगी। एक बात पूछू दादी ठाकुर? जरूर पूछो। आप डाकू मंगला और ठाकुर के इतने दुश्मन क्यों हो? फौजी हूं ना, जंग करने की आदत सी पड़ गई है। दुश्मन देश के बाहर का हो या देश के अंदर का, उसे चैन से जीते हुए नहीं देख सकता। बाजू कटने के बाद जब मैं गांव वापस पहुंचा तो गांव वालों को जुल्म के दो पार्टों के बीच पिसता हुआ देखा। एक तरफ ठाकुर बलवंत का कहर था और दूसरी तरफ डाकू मंगला का आतंक। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने हथियार उठा लिए। उसका बदला यह मिला कि गांव वालों ने मुझे एक गांव से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यह ठाकुर बलवंत की मर्जी थी और ये गांव वाले ठाकुर की हर मर्जी पूरी करने पर मजबूर थे। क्या तुम नहीं जानते कि इन बेचारे गांव वालों की सांसे तक बलवंत के पास गिरवी हैं? लेकिन जुल्म का सूरज कितना भी बड़ा हो, उस सूरज से बड़ा नहीं है जो दुनिया को रोशनी देता है। एक ना एक दिन ठाकुर को उसके जुल्म का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन ये जवाब कौन देगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वक्त वक्त जरूर देगा। चंदा बेटी, चंदा
कौन है आप लोग? मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ माँ। और ये तेरी छोटी बहन माला। माला? हाँ माँ। ज्यादा सोच मत बेटी, सोच मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू आराम कर, तू आराम कर। हाँ माला, तू मेरे साथ आ। हाँ लगता है कमजोरी की वजह से हम सबको भूल गई है। अच्छी हो जाएगी ना तो सबको पहचान लेगी। ला पैसे दे, उसके लिए दूध और दवा लेके आती हूँ मैं। लेकिन माँ घर में तो एक भी पैसा नहीं है। नहीं है? तो मैं इन्हें कहाँ ले जा रही हूँ बेचने? मगर मैं हम पूजा किसके करेंगे? अरे पगली, पूजा के लिए तो सिर्फ भगवान चाहिए, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या फिर पत्थर का हो। माँ लगता नहीं कि तू पागल है? तेरी बातें सुनकर तो लगता है कि तुझे छोड़कर सारी दुनिया पागल है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये भी कोई जिंदगी है? पोस्टर हम लगाएं और इनाम ले जाए वो इंस्पेक्टर का बच्चा? क्या करे हवलदार, नसीब की बात है। मेहनत करे मुर्गी और फकीर खाए अंडा। फकीर बेटे, तुम इससे बात करो। हवलदार राम, तुम इस दुर्ज पर हो। माफ करना साहब, लेकिन साहब आप भी तो भैंस की पिछली टांग की तरह बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी तरकीब सोचिए ताकि मंगला डाकू को पकड़कर 1,00,000 रुपए हम हासिल कर लें और वो इंस्पेक्टर का बच्चा छटपटाता रह जाए। सोचो सोचो। एक लाख रुपए का सवाल है। कुछ सोचते हैं बापू। तेरे सोचने में तो उम्र निकल जाएगी, चल। अच्छा बच्चों, अब दिखाता हूं तुम्हें। तुम बेफिक्र रहो बापू, 1,00,000 रुपए हमारा ही होगा। हाँ, 90,000 मेरे और 10,000 तुम्हारे। अपने आप को समझता क्या? हेलो, कौन? कल डाकू मंगला। धुमकी भाई ठेके वाली के यहाँ आ रही है? खबर बिल्कुल पक्की है ना? क्या कहा? लाला नौमन दास का 9 लखा हार लूटने आ रही है? कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐन वक्त पर वहां पहुंच के मंगला की छुट्टी कर दूंगा और फिर वो 1,00,000 रुपया मेरा होगा। हसले हसले जितना जी चाहे हसले दरोगा, लेकिन 1,00,000 रुपया तेरा कभी नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग मंगला की छुट्टी कर देंगे। लेकिन कैसे? बापू तू लाला नौमन दास बन जा और मैं बनूंगा ठुमकी बाई ठेके वाली। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। वाह वाह, क्या बात है तुमकी भाई। सलामी इश्क मेरे जो नयों को भूल करना, सलामी इश्क मेरे जो नयों को भूल करना, तुम हमसे प्यार करने की कभी ना भूल करना। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरे जो नयों को भूल करना।
जाते कहां बैठो? मंगला आ गई, मंगला डाकू आ गई, मेरा लाख रुपया आ गया। आया आया दरिया पे डाकू मंगला की जगह 7.5 फुट का डाकू जंगला सिंह कहां से आ गया? वाह ठुमकी भाई वाह, तुम लड़की हो कि वो काली पहाड़ी जिस पर चढ़कर हम रोज चांद मारी करते हैं? बापू रोक लो इस पहाड़ को, वरना ये मुझे कुचल देगा। हम कुचलने नहीं, तुम्हें अपने प्यार की कड़ाई में तलने आए हैं। डाकू जी देखो, चाहे तो मेरा ये 9 लाख का हार ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। तू क्या समझता है, तेरे इस फालतू 9 लाख के हार के लिए मैं इस 9 करोड़ के हुसन को बिना निचोड़े छोड़ दूंगा? चला जा। अरे वहां नहीं, यहां मेरे दिल के तंदूर में पराठा बन के चिपक जा। धक धक करने लगा मेरा जियरा, डरने लगा अरे धक धक करने लगा मेरा जियरा, डरने लगा सैया बैया छोड़ना सच्ची कलियां तोड़ना, सैया बैया छोड़ना सच्ची कलियां तोड़ना। धक धक करने लगा हमारा जियरा, डरने लगा। सोना ले जा चांदी ले जा रे, ओ सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, ओ इसे कैसे दे दूं मैं डाकू के तेरी बदनामी होगी। सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ओ सोना ले जा रे चांदी ले जा रे। डाकू लोग बदनामी से नहीं डरते, चल। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। महके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हाय मैं मर गई, अबे मेरी कमर में कमर की हड्डी सरक गई। अब हड्डी सरके क्या गर्दन टूटे, आज तो मैं तेरी नत उतार के रहूंगा। कच्ची गली को तोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? जो एक कच्चे घड़े को तोड़कर मिलता है। आप मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े? तू हाथ की बात करती है, अगर मुझे पता होता कि ये पहाड़ी उसमें मेरे हाथ लगने वाला है तो मैं नहा धोकर आता। मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन है तू? माय नेम इज लखन, डाकुओं का दुश्मन मेरा नाम है लखन। नहीं माला, अब मैं और नहीं रुक सकती, बहुत दिन हो चुके हैं, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और फिर मेरे जख्म भी तो ठीक हो चुके हैं। क्यों जाना चाहती हो वहां, जहां औरत सिर्फ तमाशा बनकर जीती है?
जहाँ चांदी के चंद सिक्कों के बदले लोगों की नजरें उन्हें नोचती रहती है। अगर तुम चली गई तो माँ मर जाएगी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम में वो अपनी मरी हुई बेटी चंदा का रूप देखती है। क्या मेरी शक्ल चंदा से मिलती है? नहीं। तो फिर? मेरी बहन पुलिस इंस्पेक्टर थी, एक दिन भेष बदलने के लिए उसने तुम्हारी तरह कपड़े पहन लिए और डाकू मंगला को पकड़ने निकल पड़ी, मगर वो उसके हाथों मारी गई। दीदी की मौत ने माँ को पागल कर दिया और तभी उसने तुम्हें इस लिबास में जख्मी देखकर अपनी बेटी चंदा समझ लिया और तुम्हें यहाँ उठा लाई। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़कर मत जाओ। मत कौन जा। किसको छोड़कर जा रहा है? कुछ नहीं माँ, वो बस तू तो वो करती रहे। चंदा बेटी चल मंदिर चलना है। मंदिर? हाँ, मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी मैं उसे लेकर मंदिर आऊंगी। ये गंदे कपड़े उतार दे जल्दी से और ये नए पहन ले, मैं चढ़ावे का प्रसाद लेकर आती हूँ। हाँ, तैयार हो जा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बेटी मुझे लौटा दी। देख अब मेरे साथ ऐसी सुख दुख की आंख में चोली कभी मत चाहे। भाग चल यहाँ से। बेटी को मुझसे अलग मत करना, कभी अलग मत करना। और हाँ, उस दिन मैंने तुझे बेच दिया था ना, उसके लिए मुझे माफ कर दे प्रभु, माफ कर दे। क्यों री छम्मक छल्लो, गांव में नई आई है क्या? अरे हालचाल पूछना छोड़, उठा ले इसे। इनसे उलझना ठीक नहीं, चुपचाप निकल जा, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ने वाली चीज को छोड़ा जाता है, तुझे कैसे छोड़ दें? चंदा बेटी चंदा चंदा, अरे छोड़ो कमीनो, कुत्ता छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो बेटी, भाग भाग जा, भाग जा बेटी, भाग जा। चंदा बेटी माँ, चोट आई है? हाँ, देखिए ना, कब से इन्हें आवाज दे रही हूँ, मगर मेरी माँ आँखें नहीं खोलती। मेरी मदद कीजिए, जल्दी से इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए। लगता है डॉक्टर ने इनको नींद की दवाई दी है, इन्हें आराम करने दो, होश आने पर इनको ये गोलियां खिला देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वैसे इस घर से मेरा सरकारी रिश्ता है। सरकारी रिश्ता? हाँ, इनकी बेटी चंदा पुलिस इंस्पेक्टर थी ना, और मैं भी पुलिस वाला हूँ, हो गया ना सरकारी रिश्ता। वैसे तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, तुम तो नौटंकी करती हो ना?
फिर? हाँ, मैं जो करती थी अब कभी नहीं करूंगी। मैंने भी फैसला कर लिया है, ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सुखों से भरा वो स्वर्ग छोड़ के क्या तुम यहां रह सकोगी? असली स्वर्ग तो माँ के चरणों तले ही होता है, और मुझे मेरी माँ इनके रूप में मिल गई है। मुझे अपनी बेटी चंदा समझकर इन्होंने जितने जख्म खाए हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने पूरे शरीर को मरहम बना डालूं। मैंने आज तक कोठे की सीढ़ियों को पाप के बाजार तक जाते हुए देखा है, मगर आज आज ममता के मंदिर तक जाते हुए पहली बार देख रहा हूं। शायद गलती से मैंने भी कोई पुण्य किया होगा जो आज ही दिन देखने को मिला है। पुण्य तो आज मैंने किया है, मैंने, क्योंकि आज अपनी आंखों से मैं एक टूटते हुए तारे को जान बनते देख रहा हूं। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। अरे, मां का खत। विजय बेटे, खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूं मां। बेटे, आज मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूं। मैं भी बहुत जल्द तुझे खुशखबरी दूंगा माँ, जिसे सुनकर तू खुशी से उछल पड़ेगी। मैंने तेरे लिए इंस्पेक्टर सक्सेना की बहन शांति को पसंद कर लिया है। माँ, तूने बहुत देर कर दी, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है माँ। उसका नाम चंदा है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय, मुझे भी तो बहुत प्यारा लगता है वो। फिर देर किस बात की, जा जाकर कह दे उससे अपने दिल की बात। यही तो मुश्किल है, कई बार सोचा जाने की, लेकिन मारे शर्म की हिम्मत ही नहीं पड़ती। अरे जाकर मिल और पूछ कि वो भी तुझ पर मरता है कि नहीं। मगर जाओ कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए ना। ये रुमाल वापस करने के बहाने चली जा, एक पन और दो काज हो जाएंगे। मगर उससे अकेले में मिलना और दिल खोल कर बात कर लेना, फिर आर या पार। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन लेकिन को बेकिन के डब्बे में बंद कर और जा। ठीक है। चंदा। अरे विजय बाबू, आप? किसी से कुछ मांगने के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। दरअसल चंदा, मैं बहुत दिनों से एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। एक बात कहने के लिए इतने दिन लगा दिए? वो बात ही कुछ ऐसी है कि दिल से निकलकर जबान पे आने तक डरती है। दिल की बात दिल में रह जाने से आदमी बीमार हो जाता है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। दरअसल चंदा, बात यह है कि मेरी माँ का खत आया है और उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है विजय बाबू। क्या खाक खुशी की बात है, मैंने तो मेरे लिए कोई और ही लड़की पसंद कर ली है। सच? कौन है वो खुशनसीब? वो तुम हो चंदा। हाँ चंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब तुम इकरार करो या इनकार, तुम्हारी मर्जी। अरे चंदा, मेरी बात का जवाब तो दो।
कभी तकरार, कभी प्यार, कभी इनकार, कभी इजहार। जिंदगी में कुछ कमी थी तो सिर्फ तुम्हारे प्यार की कमी थी। अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मरने की बात मत करो चंदा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। माला, क्या है दीदी? आज से खिलौने बेचने मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस घर की बड़ी बेटी मैं हूँ और इसलिए सारा बोझ मैं उठाऊंगी। मगर माँ पूछेगी तो मैं क्या करूंगी? माँ का क्या है, कोई भी बहाना बना देना, समझी? ठीक है, कह दूंगी। तुम्हारी इंस्पेक्टर बेटी डाकू मंगला को पकड़ने गई है। जो जी में आए कह देना,
लेकिन माँ को दवाई देना मत भूलना। लेकिन माँ, अब तू चिंता मत कर, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या है हा? अच्छा हुआ माला जो तेरी गली में घुसने से पहले ही तू मिल गई। बोल चुकाती है कर्जा या कर ले तेरे घर पर जाके कब्जा। ऐसा मत करना बेटा, ऐसा मत करना। मेरी बेटी चंदा है ना, इंस्पेक्टर चंदा, कल ही तो काम पे गई है, वो धीरे धीरे तुम्हारा सारा कर्जा चुका देगी। हाँ चल, हम कुछ नहीं जानते। सुन माला, हमें अपना रुपया आज ही चाहिए। ठाकुर, क्या हमारे कर्जे के बिना तुम्हारी तिजोरी खाली पड़ी है? तिजोरी नहीं, वो कमरा खाली पड़ा है जिसमें बिन फेरे हम तेरे हो जाना चाहते हैं माला। छोड़ दे माला की कलाई, नहीं तो मैं तुझे ऐसी मलाई खिलाऊंगी कि तेरे कपड़ों की सिलाई कहाँ कहाँ से खुलेगी पता भी नहीं चलेगा। कौन है तू? तू मुझे नहीं जानता जसवंत, लेकिन मैं तेरे पूरे खानदान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे लोग मुझे चंदा कहते हैं, मगर तुम जैसे कमीने लोगों के लिए मैं मौत का फंदा भी हूँ। अच्छा हुआ जो तू भी आ गई, अब हम चचा भतीजा मिलकर अपने दिल के ग्राउंड पर प्यार का क्रिकेट खेलें। आए उठाओ दोनों को। नहीं रुक जा माँ, सोच लो ठाकुर के पिल्लो, बल्ला मेरे हाथ में है। अगर मैंने छक्के पे छक्का लगाना शुरू कर दिया तो तुम सब छक्के बन जाओगे। अबे देखते क्या हो, पकड़ो दोनों को। लड़की नहीं, ये तो सिलबट्टा लगती है। अरे भाग चल, नहीं तो कुचल डालेगी हमें। अरे चाचा रुको तो सही। अरे क्या फुटबॉल की तरह गिर रहा है, जा मारो से जा भाग। चल भतीजे चल, जाकर बलवंत भैया को खबर करते हैं। हाँ। वही इस डंडे वाले की खबर लेंगे। हाँ, तुम ठीक करो चाचा। तो बैठ ना, जल्दी कर। अभी उधर क्या देख रहा है, जल्दी करना। भाग गए साले, कबड्डी खेलना आता नहीं और आते क्रिकेट खेलने। माँ, चंदा बेटी, तुझे चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ। दीदी पत्थर है पत्थर माँ, और पत्थरों को कभी चोट नहीं लगती। माला, क्यों आए थे ये लोग? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कहाँ है? कौन है आप और इस तरह क्यों चिल्ला रहे? हमें ठाकुर बलवंत सिंह कहते हैं। ओ, तो आप ही हैं ठाकुर बलवंत सिंह। काफी नाम सुना है आपका, और साथ ही साथ आपके कारनामे भी। तो फिर ये भी सुना होगा कि हम जहां जाते हैं लोग खड़े रह के हमारा स्वागत करते हैं, पहले हमें बिठाते हैं फिर खुद बैठते हैं। ठाकुर साहब, ये पुलिस स्टेशन है, यहां लोग खड़े खड़े आते हैं, खड़े रहते हैं और खड़े खड़े चले जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बैठने के लिए कहते हैं। ये क्या काम है? चंदा नाम की लड़की ने हमारे आदमियों को इतनी बुरी तरह से मारा है कि बेचारे बेहोशी में भी उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं। मारने की वजह? बेचारे कर्जा वसूल करने गए थे और हड्डियां तोड़वा कर वापस आ गए। तुम उस हरामजादी को फौरन। ठाकुर साहब, आइंदा अगर गाली जबान पे आए तो उसे खा लीजिएगा, उगलने की कोशिश महंगी पड़ सकती है। इंस्पेक्टर लखन। बापू, मैं चंदा को शादी का पैगाम दूं तो?
देकर तो देख, एक ही घूसे में तेरे थूतन को थाली का झूठन न बना दिया तो कहना पैगाम दे। अच्छा ऐसा करते बापू, दोनों मिलकर ट्राई मारते हैं। मुझे मिल गए तो तेरी बहू और तुझे मिल गए तो मेरी माँ। बेटे आज पहली बार तूने मेरे कलेजे पे बर्फ रखी है। चल चल दोनों चलकर आजमाते हैं अपनी किस्मत, जल्दी चल। क्या कर रहा है बेटे? बर्फ पिघल रहा है। ओह चल के देखते हैं। नमस्ते चंदा डंडा मार, हड्डियों के छोड़ उखाड़। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो। आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या? बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों की तरह। और ये जो आपके बाल है ना, बिल्कुल मधुबाला की तरह है। ये बाल मुझे दे दे चंदो। और वो आपके जो होंठ है ना, वो बिल्कुल माला सिन्हा की तरह है। और ये आंखें बिल्कुल नरगिस की तरह है। और मेरा घूसा धर्मेंद्र की तरह है। कहो तो तुम दोनों को एक नमूना दिखाओ। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। दरअसल बात ये है कि दरोगा साहब ने आपको थाने बुलाया। दरोगा? लेकिन मैं अपनी दुकान छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, भला तुम बताओ मेरे को। अरे हाँ यार, ये अपनी दुकान छोड़कर धंधा छोड़कर कैसे जाएगी? आप भी कमाल की बात कर रहे हैं। एक काम करो, दरोगा से कहो दुकान छोड़कर धंधा छोड़कर नहीं आ सकता। एक काम करो, तुम लोग मेरे खिलौने की दुकान संभालो, मैं आ रही हूँ। जरूर जरूर बापू। अच्छा वही लड़की नहीं पटी, वरना पुलिस की नौकरी छोड़ के ये खिलौने बेचने पड़ते। दिल ने तोड़ चली, मुख मोड़ चली, नानी नानी नन्ना बड़ी धोखे बाज निकली। यहाँ साइन कीजिए। कहिए दरोगा साहब, मुझे क्यों बुलाया है? ठाकुर साहब ने शिकायत की है कि तुमने उनके लोगों को मारा है। मारा है? मारा कहाँ है, सिर्फ हाथ फिराया है। जिस दिन मारूंगी उस दिन जिंदा नहीं बचेंगे वो लोग। चंदा, ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ती फिरो। और गरीब होने का ये तो मतलब नहीं होता कि अमीर लोग हमारी इज्जत को खिलौना समझ कर खेले। तुम कहना क्या चाहती हो? ठाकुर साहब के वो कुत्ते जो कर्ज वसूल करने आए थे, मेरी बहन की इज्जत पर पंजे मारने लगे थे, नोच जाना चाहते थे अपने जहरीले दांतों से उसके आंचल को। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करती? आरती उतारती उनकी, पूजा करती मैं? देखा इंस्पेक्टर, इसकी जबान इसके कद से भी ज्यादा लंबी है। कितनी चालाकी से नाप तोल कर झूठ बोल रही है ये। ठाकुर साहब, अगर मेरी जुबान ने आपके पापों को नापना शुरू कर दिया तो बात इंच फुट और गज से निकलकर मीलों लंबी हो जाएगी। चंदा तुम जा सकती हो। इंस्पेक्टर तुमने इसे जाने क्यों दिया? बेहतर होगा कि आप भी यहां से चले जाइए और अपने आदमियों को समझा दीजिए कि कर्ज वसूली रुपयों की होती है, किसी लड़की की इज्जत की नहीं। ठीक है, हम समझा देंगे। मुझे दादी ठाकुर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अच्छी तरह से पहचान लिया है। क्या पहचान लिया आपने? अपने सपने को, जो आज सच होकर मेरे सामने खड़ा है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाकर मेरे विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है तुमने, जिसे इन गांव वालों की बुजदिली ने मार डाला था। बुजदिली मौत है दादी ठाकुर, और मैं इन गांव वालों को जीना सिखाना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। इस जंग में तुम अकेली नहीं हो चंदा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे आवाज दे देना। सरदार भूपत सिंह की जय। 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 मंगला, आज तेरी हस्ती के साथ साथ मैंने तेरा नामो निशान तक मिटा डाला।
बदमाश कहीं का। अच्छा बेटे, अब ये बता तू कैसा है? अरे मुझे क्या होना है माँ, मैं तो ठीक हूँ। ये बता तू कैसी है? जब से तेरा खत मिला है कि तूने लड़की पसंद कर ली है, तब से मेरी तबीयत और बिगड़ गई है। क्यों, क्या हुआ? ना जाने तूने कैसी लड़की पसंद की है। अरे माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, तू उसे मिलेगी ना तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का। हाँ, अरे चांद के टुकड़े को लेकर क्या मैं चाटूंगी? मुझे ऐसी सुशील लड़की चाहिए जो सारे घर का काम करे, मेरी सेवा करे। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, लड़ाई झगड़े वाली लड़की मुझे कतई पसंद नहीं। लड़ाई झगड़ा? अरे नहीं माँ, वो तो बिल्कुल गऊ है गऊ। तू उसे खूटी से बांध के रखेगी ना, वो वहाँ से हिलेगी नहीं। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो जा उसे ले आ। अरे माँ तू कितनी अच्छी है, मैं अभी उसे जाकर ये बात बता देता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरी बातें कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें। आ तन्हाई में प्यार करें, नजरें मिला के इकरार करें। आ तन्हाई में प्यार करें, नजरें मिला के इकरार करें। गले लग जा, कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें, कैसे मैं भुलाऊं अब भूल नहीं साथ तेरी बातें।
मैं चुरा लूं रंग तेरा पास मेरे आ। कटता नहीं है दिन कटती नहीं है मेरी रातें। सर, सर आप मंगला डाकू को पकड़ने जा रहे हैं ना सर? हाँ क्यों? सर हमें भी ले जाइए ना, लाख रुपए के इनाम में कुछ हिस्सा हमारा भी बन जाएगा। शट अप! जो लोग इनाम के लालच में ड्यूटी करते हैं वो लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम लोग यहीं रहोगे और गांव के हालात पर नजर रखोगे जी। और हाँ, गांव की लड़कियों पर नहीं, समझे? नहीं नहीं, भगवान करे ये दरोगा कुंवारा ही मर जाए। सोचा था इनाम के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना घर बसा लूंगा। आहा, वो मुझे लोरियां गा के सुलाया करेगी और मैं उसे भांगड़ा दिखाया करूंगा। जवान बेटे के होते हुए शादी की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे जवान बेटे, शायद तू जानता नहीं कि जब तेरा ये बापू गलियों से गुजरता है ना तो गोरी गोरी लड़कियां इन काली काली मूंछों पे लटक लटक जाती है। काली मूंछों पर इतना मत तकड़ो बापू, तुमने जिंदगी भर असली घी खाया और मेरी परवरिश वनस्पति घी से की, इसकी वजह से ये मेरे बाल सफेद हैं। मेरी मूछें काले ने सही, एक दिन तुमसे भी ज्यादा लंबी होंगी और लड़कियां इस पर झूला झूलेंगी। लड़कियां इन पर झूला झूले या तू लड़कियों को गोद में बिठा के दूध पिलाए, मैं तो शादी करके ही रहूंगा। ठीक है, जहां भी तुम्हारी शादी की बात छिड़ेगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा मेरे बापू दहेज के पैसे जुए में हार जाता है और दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को मार डालता है। तो फिर तू कहां से पैदा हुआ है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी माँ सुहागरात के दूसरे दिन ही भाग गई, वरना मैं कहां से पैदा होता। ये बात है तो फिर तू भी सुन ले, मैं भी तुझे किसी लड़की की मांग का सिंदूर नहीं होने दूंगा। तू मंगलसूत्र लिए गली गली भटकता रहेगा लेकिन तुझे एक गर्दन नहीं मिलेगी वो मंगलसूत्र पहनाने के लिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जहां भी तेरी शादी की बात चलेगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा और सबसे चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि ये मेरा बेटा है ही नहीं, ये तो पड़ोसी का बेटा है। कमाल है, मेरे दादाजी भी आपके बारे में यही कहा करते थे। क्या कहा? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शट अप! ये डंडा जहां से निकाला वहीं रख दो और जाओ मेरे लिए चाय और एक पान बोल कराओ। अबे ना मुराद ना माकूल, अपने बाप से पान और चाय लाने के लिए कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? खामोश! ये पुलिस स्टेशन है जहां मैं एक इंस्पेक्टर हूं और तुम एक मामूली हवलदार, समझे? जाओ चाय बोल कराओ वरना मैं तुम्हारी परेड ले लूंगा। ठीक है बच्चू, तू घर तो चल, फिर मैं तुझे बताता हूँ। हवलदार राम, मेरी लुंगी थोड़ा लो और उसे हिला हिला की तरह सिखाओ और मुझे पहनाओ जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। ये क्या बदतमीजी है? अलर्ट हवलदार, अपने सीनियर के साथ मजाक करते हुए तुम्हें डरने लगता, मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। अरे जा, इससे पहले मैं तुझे बैन कर दूंगा। ये मेरा घर है, तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, समझा? जहाँ तू एक सड़े हुए पापड़ की तरह करता रहता है। हवलदार मेरे लिए चाय लाओ, हवलदार मेरे लिए पान लाओ, अब जा और मेरे लिए एक लीटर गधी का दूध ले आ। जा! जाता हूँ ना। जा! गधी का दूध? मगर बापू इस गांव में तो एक भी गधी नहीं है। तुझे कैसे पता? अगर होती तो अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हो गई होती। नहीं बेटा नहीं, मैं ये गलती फिर से नहीं करना चाहता। पहले एक बार की थी, उसका नतीजा आज तक भुगत रहा हूँ मैं। बापू तुमने मेरी माँ को गधी कहा है? अरे अभी तो सिर्फ गाली दी है, बात और आगे बढ़ने वाली है, समझा? कहां तक बढ़ेगी? आज तक बाप ने अपने बेटे से टांगे दबवाई होंगी, कमर दबवाई होंगी, तेल की मालिश करवाई होगी सर में, लेकिन आज मैं तुझसे वो काम करवाने जा रहा हूं जो दुनिया के किसी भी बाप ने किसी बेटे से नहीं करवाया होगा। तुम्हारा इरादा क्या? क्या क्या करवाना चाहते? यहां यहां फिर बताता हूं। चल यहाँ खुजा। बापू ये गंदा है। अरे इसलिए तो तुझे कह रहा हूँ, चल खुजा। और खबरदार जो आइंदा अपनी इंस्पेक्टरी मुझ पर झाड़ी,
तो न पेड़े में मजा है न कलाकंद में मजा है, जितना कि खुजली को खुजवाने में मजा है। आज जाके ठंडी हुई मेरी खुजली। देखो चंदा, जरा संभल कर। हाँ, आज तुम्हारा इम्तिहान है, अगर इस इम्तिहान में तुम पास हो गई तो ही हमारी मंजिल मिल सकती है। मैं कोशिश करूंगी विजय कि तुम्हारी पसंद तुम्हारी माँ की पसंद हो। चलो। माँ, देखो तो कौन आया है। मेरी होने वाली बहू के सिवा और कौन हो सकता है। अरे अरे, बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने बहू की कल्पना की थी। सच कहता था रे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। अरे है। बस माँ बस, तू इसकी इतनी तारीफ करती रहेगी ना तो शादी के बाद ये मुझे भूलकर अपने आप को आईने में देखती रहेगी। हाँ, तुझे देखने से फुर्सत मिलेगी तब आईना देखेगी ना। मुझे तो इसकी आंखों में बस तू ही तू नजर आ रहा है। माँ, मुझे है ना शर्म आ रही है। चल हट शैतान कहीं का, शर्म आ रही है। शर्म तो मेरी बहू को आ रही है, देख कैसी शर्मीली सी है। अच्छा, देखो तो जरा। हट। आ बेटी, मेरे अधूरे आशीर्वाद को पूरा करने के लिए चल विजय के पिता का आशीर्वाद भी ले ले। आजा बेटी, आओ बेटी। बेटी, ये हैं विजय के पिता। बुढ़िया, चल जल्दी उठा लगा इस नोटिस पे। क्या लिखा इसमें? इस नोटिस में लिखा है कि 3 दिन के अंदर अंदर कर्जा चुका दो, वरना कानून तुम तीनों को गर्दन से पकड़कर घर से बाहर फेंक देगा। अरे जा जा, बड़ा आया कानून का बच्चा हमें घर से निकालने वाला। मेरी बेटी भी कानून की नौकर है। हाँ, वो देख मेरी बेटी आ गई। चंदा चंदा, देख तो, देख तो क्या कह रहा है। माँ सुना तूने, मेरी बेटी ने सब सुन लिया, अब ये चुकाएगी तेरा कर्जा। हाँ, अरे जैसी तू वैसी तेरी बेटी, ना तेरे पास कौड़ी ना इसके पास तमड़ी। क्यों, देख लिया हमसे बैर लेने का अंजाम चंदा? चुप। तू चुप क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं बेटी? अरे तू तो दरोगा है, दरोगा। हाँ माँ, मगर क्या करूं, कोर्ट का मामला है ना। मैं, इसका मतलब कि तेरे बाप की ये आखिरी निशानी हमसे छीन ली जाएगी। अरे, मैं इस घर से बाहर पैर रखते ही मर जाऊंगी बेटी। मैं जिंदा नहीं रह सकती इस घर को छोड़कर, मैं जिंदा नहीं रह सकती। इस घर को बचा ले। रो मत माँ, तुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं वादा करती हूँ। पैसे पैसे मैं लेकर आऊंगी माँ। दिल धड़काओ या बिजली गिराओ, घुंघरू बजाओ, कमर हिलाओ या मुजरा we
कारण मेरे भाई की जान गई है। जब तक हम दोनों में से कोई एक मरेगा नहीं, ये तूफान थमेगा नहीं। मंगला, आज मैं तुझे मारकर अपनी वो कसम पूरी करूंगा जो मैंने अपने पिता की चिता पर खाई थी। नहीं दरोगा, जब तक मंगला नहीं चाहेगी उसे कोई नहीं मार सकता। तेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं कल गंगापुर के कुत्ते तेरी लाश को गली गली घसीटेंगे। बस यही तेरा अंजाम है। मेरा अंजाम तो भगवान जानता है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जब तक मेरे अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते मैं मर नहीं सकती। तब तो तू अपने सारे अधूरे काम भगवान के पास जाके पूरे करना। चंदा, पैसे लाई हो? नहीं ठाकुर साहब, मुझे कर्ज चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। दौलत कभी किसी को मोहलत नहीं देती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर साहब, मेरी माँ और बहन पर तरस खाइए। वाह, कानून का फंदा गले में पड़ते ही हिरनी के मुंह से म्याओ म्याओ निकलने लगी हो। मेरी बेबसी का मजाक मत उड़ाइए ठाकुर साहब। मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। तो ठीक है, तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हम तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मैं आपका एक काम नहीं ठाकुर साहब, आपके आपके 10 काम कर दूंगी। ना 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 ना, एक कर्ज के बदले हम एक ही काम करवाते हैं। बस हमारी थोड़ी सी चरस अपने खिलौनों की टोकरी में रख के गांव के बाहर पहुंचा दें। क्या? वैसे तो हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देते, मगर क्या करें, उस दिन तूने दरोगा के सामने बड़े भैया को इतनी मिर्ची खिलवाई कि ये आज तक सू 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 कर रहे। मैं उस दिन की गलती के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। नहीं, ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से वो दरोगा हम पर कड़ी नजर रखने लगा है। और सुना है वो तुझे पसंद भी करता है, इसलिए तुझ पे शक भी नहीं करेगा। मैं एक काम नहीं कर सकती ठाकुर साहब। काम कर, नहीं तो अपनी माँ और बहन को लेकर गांव से दफा हो जा। फालतू चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसा जुल्म मत कीजिए ठाकुर साहब, उस घर से मेरे माँ का अति जुड़ावा है, घर छूटते ही उसका दम टूट जाएगा ठाकुर साहब। दम टूट जाएगा तो टूटने दो, मरती है मरने दो, हमने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। जसवंत कुलवंत, धक्के मार कर निकाल दो इसे यहाँ से। नहीं ठाकुर साहब, रहम कीजिए ठाकुर साहब। रहम चाहती है तो अपनी एक रात। जसवंत, जिंदा को बचाने बेटी, ये घर तेरे बाप की आखिरी निशानी है। इस घर को छोड़कर मैं जिंदा नहीं रह सकती। इस घर को बचा ले, इस घर को बचा ले। अब दो ही रास्ते हैं तेरे सामने, कर सकती है तो कर, वरना उन नकली रिश्तों को भूल कर जान नौटंकी कर। अरे तुम लोग क्या जानो रिश्तों का दर्द क्या होता है। कहिए ठाकुर साहब, मुझे चरस कहाँ पहुंचानी होगी? हाँ, अब आई हो ना सीधे रास्ते पे, चरस गांव के बाहर 10 नंबर पुल के नीचे पहुंचानी है। Thank you.
विषय बाबू, आप यहाँ? तुम चरस बेचने जैसा घिनौना काम कर सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता चंदा। नहीं विजय बाबू, ये चरस मुझे ठाकुर ने दी थी। झूठ बोलती है ये। जब से हमने इसकी माँ से अपने पैसे मांगे हैं, तब से ये हमें अपना दुश्मन समझने लगी है। नहीं विजय बाबू, मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने ही मुझे ये चरस दी थी। अगर हमने इसे चरस दी होती तो आपको इत्तला क्यों देती? अब समझ में आया कि तुम लोगों ने इसी बहाने मेरे साथ दुश्मनी निकाली है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं ठाकुर, हरगिज नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे बेटा बाबू, मैं कह रहा हूं छोड़ूंगी नहीं। मैं कह रहा हूं छोड़ दो इन्हें। तुम्हें जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, चलो मेरे साथ। वाह भतीजे, क्या जाल बिछाया है तूने। जा इसकी बहन के साथ ऐश कर। लेकिन भैया वो। अरे चुप रह। आए उठाओ लौंडे को। बुढ़िया हट यहाँ से, चल चल। अब तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ इस कोरे कागज पर प्यार की चिट्ठी लिखने। चंदा, माँ, चंदा बेटी। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे चल हट, मुझे रोक दे, मैं तेरे साहब की माँ हूँ, पता नहीं। अरे चंदा बेटी। माँ तू ये क्या कर रही है? माँ माँ तू डर मत, माँ सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ। खाक ठीक हो जाएगा, छोटे ठाकुर माला को उठा कर ले गए हैं। क्या? हाँ चल चल बेटी। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुझे एक घंटे के लिए छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी। भैया मेरी बहन की इज्जत खतरे में है। हाँ मैं मजबूर हूँ बहन, बिना इंस्पेक्टर साहब के इजाजत के मैं आपको नहीं छोड़ सकता, नहीं तो वो मेरी परेड ले लेंगे। मैं कहती मुझे जाने दे, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। अरे चल दरवाजा खोल। अरे खोलता हूँ खोल। अरे गोली मत चलाना। अरे चल वाले नहीं, जल्दी कर। अरे 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 हाँ, निकल चाबी निकल। खोलता हूँ। अरे क्या आफत है? अरे जाम आए, तू जल्दी जा, मैं इसे रोकती हूँ। अरे गोली मत चलाना, चुपचाप। नहीं ठाकुर, अब मुझे हाथ नहीं लगाना। आज मैं तेरी नाक की मटकी के मुंह पर अपनी हाँ का ढक्कन चढ़ा के रहूंगा मेरी जान। तू तो लोहे के पिंजरे में बंद थी, यहाँ कैसे आ गई? मौत को ना कभी लोहे के पिंजरों ने रोका है और ना ही फौलाद के दीवारों ने टोका है, लेकिन आज मैं तुझे मौत के पिंजरे में हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो चंदा। नहीं ठाकुर,
यही वो समय है कि मैं तेरा हिसाब साफ कर दूं। हरामजादे! बता, छोड़ दो उसे। विजय बाबू, उसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। इसने जो कुछ भी किया है उसकी सजा इसे कानून देगा। मैं वहां था तुम्हारा कानून जब वो मेरी बहन की इज्जत लूट रहा था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मर जाएगा तो तुझे फांसी लग जाएगी चंदा। लग जाने दो मुझे फांसी, मैं मौत से नहीं डरती। तुम्हारी मौत इन दोनों की भी मौत है चंदा, जिनके खातिर तू इसे मारकर खुद मरना चाहती है। मैं कहता हूँ चंदा, छोड़ दो उसे। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैं स्वीकार करता हूँ कि चंदा को चरस के केस में मैंने फंसाया था ताकि मैदान साफ देखकर मैं माला पे हाथ साफ कर सकूं। चंदा बेटी, बहुत मुश्किल से मैंने तुझे पाया है, अब तुझे खोना नहीं चाहती बेटी। छोड़ दे, छोड़ दो उसे। अपने हाथ इस पापी के खून से गंदे मत करो, छोड़ दो इसे। देखा हरामजादे, गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। ले जाओ इस हरामजादे को। बहुत, दो टके की लौंडिया और चार टके का सरकारी गुलाम, समझता क्या है अपने आप को? एक छोटी सी बात के लिए उस हरामजादे ने हमारे भतीजे को मारा, उसे हथकड़ी पहनाई और हवालात में बंद कर दिया। हरामजादा ये नहीं जानता कि आज तक जिस सरकारी मुलाजिम ने हमारे खिलाफ आवाज निकाली, उन सब की लाशें इस हवेली की बुनियाद के नीचे दफन है। आप ही ने तो उसे भेजा था दिल की तमन्ना पूरी करने के लिए। अब उसकी बची कुची तमन्ना पुलिस थाने में मच्छर और खटमल पूरी कर रहे होंगे। कुलवंत, यकीन नहीं होता कि तुम हमारे भाई हो, जब देखो हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते रहते हो। तब तो जसवंत भी आपका भतीजा नहीं हो सकता, क्योंकि आज उसी के कारण आपकी शान और शौकत को बट्टा लगा है। नहीं, उसके कारण नहीं, ये उन तीनों हराम शादियों के कारण हुआ है। हम उन तीनों को घर से बेघर कर देंगे। पहले भतीजे की चिंता कीजिए, बेचारा कल दोपहर तक जेल में सड़ता रहेगा, क्योंकि जमानत सुबह से पहले तो हो नहीं सकती। दौलतमंदों के लिए कानून के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम रातों रात जाकर उसकी जमानत करवाएंगे। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले हमारा भतीजा जेल से बाहर होगा। चल खैर चलो। ठाकुर, तूने आज मंगला के साथ पंगा लिया है, मैं तुझे नंगा करके छोड़ूंगी। ये रुपए ठाकुर के कर्ज से मुक्त होने के लिए है। डाकू मंगला, डाकू मंगला, अरे सुनती हो? डाकू मंगला की जय, डाकू मंगला की जय, डाकू मंगला की जय। इंस्पेक्टर, ये रहे जमानत के कागजात, हमारे भतीजे को छोड़ दो। हवलदार जी साहब, जसवंत को छोड़ दो। अच्छा साहब। रातों रात जमानत हासिल करने के लिए काफी खर्च किया होगा। क्यों, जितना खर्च हुआ है दरोगा, उसकी अहमियत हमारे लिए टके दो टके से ज्यादा नहीं है। एक कहावत है ठाकुर साहब, टके टके जमा करके आदमी टकसाल खोल देता है, और टके टके गवा के आदमी दो टके का भी नहीं रहता। बात दरोगा साहब, क्या बात कही है ना भैया? भगवत, तुम रिहा तो हो गए हो जसवंत, मगर ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक बात कान खोलकर सुन लेना, आइंदा ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, तो चाहे ठाकुर साहब नीलामी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारी जमानत नहीं होने दूंगा। बहुत बोलने लगे हो इंस्पेक्टर,
लेकिन तेरी बोलती अभी बंद हो जाएगी। वकील साहब, ये है चंदा के घर की कुड़की के कागज। लेकिन उन्हें बेघर करके आपको क्या मिलेगा ठाकुर साहब? कुड़की का नाम सुनते ही बेचारा इंस्पेक्टर आशिक की बोली बोलने लगा। ठाकुर साहब, हाँ सुनो, घर खाली करवाने के लिए मेरे साथ कुछ पुलिस वाले भेज दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ठाकुर साहब, क्या आप एक दिन की मोहलत नहीं दे सकते मुझे? दे देता, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ लोग खड़े खड़े आते हैं, खड़े रहते हैं और खड़े खड़े चले जाते हैं। बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें हम एक दिन की मोहलत देते हैं। सिपाही भेज देना। हवलदार जी सर, इनके साथ जाओ। अरे बलवंत काका, यहां तो ताला लगा हुआ है। तो फिर देखते क्या हो, ताला तोड़ दो और सामान उठा के बाहर फेंक दो। ए, चलो रुक जाओ। दरवाजा तोड़ने की बात तो दूर रही, अगर किसी ने दरवाजे की कुंडी को भी हाथ लगाया तो मैं उसके लिए मौत का दरवाजा खोल दूंगी। मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूँ, मुझे कानूनन ये घर खाली करना पड़ेगा। अरे जिंदगी भर कानून के साथ बलात्कार करने वाले बलवंत सिंह, तेरे मुंह से कानून का शब्द अच्छा नहीं लगता। ए लड़की, अगर हमने तुझे अपने गुस्से के तराजू में तोल दिया तो तेरा वजन मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं रहेगा। आज मैं तेरे गुस्से की आग को वो राख बना दूंगी जो सिर्फ बर्तन मांजने के काम आती है। ये ले तेरे रुपए और ब्याज, और मुझे इसकी रसीद दे। तुम लोगों के पास इतना रुपया आया कहां से? इनका एक एक आंसू सिक्का बनकर इन्हें वापस मिलाए ठाकुर। अब तेरी गुलामी का पंजा इनकी गर्दन नहीं दबोच सकेगा। लेकिन तेरी गर्दन जरूर फंसेगी। कोर्ट ने मुझे रुपया वापस लेने का नहीं, मकान पे कब्जा करने का ऑर्डर दिया है। कानून से खिलवाड़ मत करो ठाकुर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे मिलने पर कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उसके बावजूद किसी ने भी इस घर को हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो खड़े खड़े हथकड़ी लगाऊंगा और फिर जेल में इस तरह से बंद करूंगा कि तुम जिंदगी भर खड़े खड़े खड़खड़ाते रहोगे। अपने मुनीम को बुलाओ, पैसे लो और रसीद दो। मुनीम को लेकर मैं आई हूं। चुप! अरे चुप! ठाकुर साहब, क्या करूं मैं? अरे बलवंत भैया ने अभी अभी मौन व्रत रखा है, तू पैसे लो और सीधे दो। कौन? भैया, आज मैं पहली बार आपके तख्त का तख्ता होते देख रहा हूँ। हो सकता है कल गांव वाले हवेली के बाहर तख्ती लगा दे कि ठाकुरो गांव छोड़कर चले जाओ। बकवास बंद कर। हवेली के सारे नौकर कहाँ गए? भाग गए होंगे, 6 महीने से आपने उन्हें तनख्वाह जो नहीं दी। कुलवंत, चाचा थोड़ा चुप रहा करो। धर्मा, तुम लोगों को अंदर बंद किसने किया? डाकू मंगला ने। क्या? वो अकेली आई थी, उसने तिजोरी लूटकर हम सबको कमरे में बंद कर दिया। मंगला, अब बात समझ में आई कि गांव वाले तेरी जय जयकार क्यों कर रहे थे। तूने हमारा ही जूता हमारे मुंह पर मार कर बहुत बुरा किया है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मंगला, ए! इस तरह चिल्लाकर रोब झाड़ने की कोशिश मत कर ठाकुर। तो क्या हम चुपचाप अपनी तबाही का तमाशा देखते रहे? भूपत के दोस्त कभी तबाह नहीं होते ठाकुर, तबाह होते उसके दुश्मन। मंगला ने हमारा साथ छोड़कर और चंदा ने तुम्हें छेड़कर अपनी मौत को बुलाया। मैं कल ही मौत बनकर जाऊंगा और उनके गांव पर टूट पड़ूंगा, बदल दूंगा जय जयकार को हाहाकार में, थूकेगा सारा गांव मंगला के नाम पर
जब वो गांव की एक एक ईंट पर गांव वालों के खून से अपना नाम लिखेगी। रह गई चंदा की बात, उसके गले में मौत का फंदा डालकर हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा। मगर मंगला है कहां भूपत, जो तुम उसे ऐसा करने पे मजबूर कर दोगे? मेरा नाम भूपत सिंह है ठाकुर। मैं चीटी के अंडे से गेंडे का बच्चा पैदा कर सकता हूं। डाकू बनेगी सारंगी। नहीं, आज के बाद तू कभी ना नहीं करेगी। अगर करेगी तो बेमौत मरेगी, समझी? लेकिन अगर वहां पे पुलिस आ गई तो क्या होगा? पुलिस की आंखों में धूल झोंकना तो मैंने पैदा होने के साथ ही सीख लिया है ठाकुर। दारोगा साहब, दारोगा साहब, क्या हुआ? डाकू मंगला ने ललितपुर पर हमला बोल दिया है। क्या? इसे अस्पताल ले जाओ। अच्छा जी, आओ मेरे साथ। मंगला, तेरी तो साला बंदूक कहाँ है? चंदा,
अरे बाबू, अरे अरे गोलियां चल रही है मेरे बच्चों। बंदूक तुम्हारी है? हाँ। अरे वाह वाह, इंग्लिश बंदूक है? हाँ। इसमें गोली है? गोली है। दिखा दिखा ना जरा। अरे वाह वाह, पकड़ना पकड़। हाँ, वेबली एंड स्कॉट, क्या लिखा है? हरामजादी, अपना मुंह ढाक ले वरना मुंह पे कफन ढाक दूंगा। चल चल। ठाकुर, मैं मरने वाले से झूठ नहीं बोल सकती। सच तो ये है कि मैं ही डाकू मंगला हूं, जिसे मां की ममता ने मार डाला और जन्म दिया इस चंदा को, जो मरते दम तक जुल्म के खिलाफ लड़ती रहेगी। तब तुम जीत गया। आज फिर कोई डाकू वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि बनकर एक नई रामायण लिखेगा। तू पूरा करेगी वो सपना जो मैं अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है दादी ठाकुर। दादी ठाकुर, ठाकुर अभी अभी गांव को शमशान में बदला हुआ देखकर आ रही हो कमीने? देख देख, इन आंखों में अब भी उलझताओं के शोले भड़क रहे हैं। हरामजादे, आज उन बेवाओं की मांग से उठते हुए धुएं में तुम सबको गुम कर दूंगी। आज इस हवेली में रहने वालों की राख उन मासूम बच्चों की आंखों से बहते हुए आंसुओं के सैलाब में बहा दूंगी। मंगला, मुझे माफ कर दो। मंगला, मंगला, मुझे माफ कर दो। Thank you.
आओ चलो नीचे देखते हैं। चंदा चंदा दरवाजा खोलो। चंदा 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 विजय बाबू साहब यहां तो कोई भी नहीं है। किसे ढूंढ रहे विजय बाबू? डाकू मंगला को। वो भला यहाँ क्या करने आएगी? मैंने उसे अभी अभी इसी घर के छत से नीचे उतरते हुए देखा है। लगता है वो आपको चकमा दे गई है। वैसे भी सुना है डाकू मंगला पुलिस वालों को धोखा देने में माहिर है, लेकिन आज के बाद वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकेगी। उसने गांव में 24 लाशें गिराई है ना। कसम है मुझे, कसम है मुझे मेरे माँ के दूध की, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके बोझ को इस धरती से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। कसम है मुझे। चंदा तुम अपना ख्याल रखना, चलो। विजय बाबू आपकी कसम पूरी करने के लिए मुझे 24 घंटे नहीं सिर्फ 24 सेकंड लगते, लेकिन क्या करूं, ठाकुर बलवंत और भूपत सिंह अभी तक जिंदा है। भूपत क्या हुआ ठाकुर? भूपत मंगला ने मेरे भाई और भतीजे दोनों को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ। मैं जरूर उसे गांव वालों से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? बात बहुत आसान है ठाकुर। नागिन जब अपना बिल छोड़कर सपेरे के पिटारे में बंद हो जाती है तो उसे बीन की धुन पर नाचने की आदत पड़ जाती है। क्या मतलब? मतलब बहुत सीधा है। मंगला और चंदा एक ही रूप के दो नाम हैं। क्या? भूपत हम तुझे अपनी सारी दौलत दे देंगे, लेकिन हमें मंगला की लाश चाहिए आज इसी वक्त। अगर बाजी जीतनी है ठाकुर तो जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। मुझे मेरी खोपड़ी के अंदर रखे हुए ताश के पत्तों में से पपलू निकालने दो। तो जल्दी निकालो पपलू। मिल गया, पपलू भी मिल गया और टिटलू भी मिल गया। कौन है पपलू, कौन है टिटलू? पपलू उसकी माँ और टिटलू उसकी बहन माला। अब होगा मंगला का मुंह काला। विजय बाबू के रुमाल यहाँ। दीदी माला ये रुमाल मुझे दिए विजय बाबू ने। तुझे दिए हैं? हाँ मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर आज तक उनसे कह ना सकी और शायद जिंदगी भर कह भी ना पाऊँ। अरे पगली तू निराश क्यों होती है? विजय बाबू से मैं बात करूंगी। हाँ मैं उन्हें कह दूंगी कि माला तुमसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी बात हर किस नहीं टालेंगे। मेरी अच्छी दीदी। नहीं चंदा नहीं, मैं माला से शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विजय बाबू समझने की कोशिश करो, वैसे भी मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कहाँ आप शहीदों के खानदान के वारिस और कहाँ मैं 5-10 रुपए के लिए नाचने वाली एक लड़की। तो ये तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। जो भी हो मेरी हो चंदा, और हमारे प्यार के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता, समझी? विजय पलकों और आंखों के बीच कोई फासला नहीं होता, मगर उनके बीच आ जाते हैं सपने, कभी अपने कभी किसी और के। मुझे कल ही पता चला कि मैंने माला का सपना चुरा लिया और मेरी इस चोरी की सजा यही है विजय कि तुम माला को अपना लो।
वो तुम्हें बहुत चाहती है विजय। मेरी मोहब्बत कोई सिक्का नहीं है चंदा, इसे पुण्य कमाने के लिए फकीर की झोली में डाल दिया जाए। मैंने तुम्हें अपनाने की कसम खाई है और अपना के रहूंगा। बस इंतजार है तो सिर्फ मंगला की मौत का। ठीक है विजय बाबू, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो फिर मुझे खुशी से विदा करो चंदा, ताकि मैं मंगला को मारकर उसके खून से तुम्हारी मांग भर सकूं। हाँ विजय बाबू, मंगला की मौत ही चंदा की सुहाग को अमर कर सकती है। भगवान मेरे विजय को विजय करे। चाहिए विजय बाबू, और मंगला की लाश लेकर ही वापस आना। विजय बाबू, तुम्हारा मकसद पूरा होने से पहले मेरा मकसद पूरा होना बहुत जरूरी है। चंदा, चंदा बेटी, डाकू तेरी माँ और बहन को उठा ले गए। क्या? हाँ। अगर तू अपनी माँ और बहन को जिंदा देखना चाहती है तो बिना किसी हथियार के अकेले हमारे ठिकाने पे आ जाना। भूपत सिंह, खबरदार, इसकी बंदूक ले लो रे। आओ मंगला आओ। देखो तुम्हारी पुरानी सरदारनी आई है। तूने मेरी बेटी को गोली मारी थी, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जरूर पीना बुढ़िया, जरूर पीना, लेकिन उसके पहले मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी कर दे। चंदा, दीदी, देख पगली देख, जरा गौर से देख, यही है तेरी बेटी चंदा की कातिल, तेरी बेटी चंदा उर्फ मंगला। बेटी ये क्या कह रहा है, और तूने उस कमीने के कपड़े क्यों पहन रखे? इसलिए कि मैं चंदा नहीं डाकू मंगला हूं। हाँ माँ, मैं सच्चाई को झूठ का लिबास बनाते बनाते थक गई हूं। सच यही है कि मैं ही तेरी बेटी की कातिल हूं। नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये सच है माँ, मैं तेरे सर की कसम खा के कहती हूँ ये सच है। कमीनी, तूने मेरी ममता का मजाक उड़ाया है। जिस गोद को डाकू बनकर उजाड़ा, उसी गोद में बेटी बनकर अपना डेरा जमा लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज मैं इसकी बोटी बोटी नोच डालूंगी, इसका खून पी जाऊंगी। छोड़ दो। ए, छोड़ दे इसे। कमीनी, तूने मेरी ममता का गला घोटा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चिंता नहीं करूंगी। मेरी माँ और बहन को छोड़ने की कीमत बता भूपत। तेरे आशिक विजय की मौत। क्या क्या दीदी भी विजय बाबू से प्यार करती है? बड़ा दर्द होगा ना अपने जाने मन की जान लेते हुए, लेकिन ये मत भूल कि तूने मेरे भाई लखना की भी जान ली थी। इस भूतनी ने तो हमें हमारे भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। जो रिश्तों का दर्द तूने हमें दिया है, वही रिश्तों का दर्द हम तुझे देंगे। बोल, अपने आशिक को अपने हाथों खत्म करेगी या इन दोनों को पाताल पहुंचा दें? फैसला तुम्हारे हाथों में है मंगला। अगर मैं विजय को मार डालूं, तो क्या तुम इन दोनों को
छोड़ दोगे? नहीं मंगला नहीं। जैसे ही तू विजय को मौत के घाट उतारेगी वैसे ही ठाट बाट से तू अपनी माँ और बहन को लेकर यहाँ से चले जाना। मुझे इनका आचार नहीं डालना है क्या? ठीक है भूपत, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। नहीं। जाओ उठा ले आओ दरोगा जी की अम्मा को। कौन है तुम लोग? उठा लो इसे। खबर मिली है कि डाकुओं के बीहड़ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ और इस रास्ते पे कड़ी निगरानी रखना। जाओ। गंगापुर कॉलिंग इंस्पेक्टर विजय। गंगापुर कॉलिंग इंस्पेक्टर विजय। हेलो मिशन हॉक। इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। सर सब इंस्पेक्टर लगन स्पीकिंग फ्रॉम गंगापुर पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो। सर डाकू मंगला ने आपकी माँ का अपहरण कर लिया सर। क्या? यस सर। और एक छुट्टी छोड़ गई है सर। आप अकेले खाली हाथ काली पहाड़ी पर आ जाओ नहीं तो हम आपकी माँ को मार डालेंगे। डाकू मंगला। मंगला गया तेरा यार, तैयार हो जा। सीधे दिल पे गोली चलाना, न दिल रहे न दिलदार रहे। ए सारंगी इसके मुंह पे नकाब बांध। चल जा जा। बंगला तुझे मारना था तो मुझे ललकार कर मारती, मगर तूने मेरी माँ की आड़ लेकर यह साबित कर दिया है कि तू एक जलील और मक्कार औरत है। ओह, ठाकुर। एक पुरानी कहावत है दरोगा, कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तूने बड़ा कानून झाड़ा था ना खड़े खड़े, अब थोड़ी देर में देखना तू खड़े खड़े बिलबिलाएगा और हम तीनों खिलखिलाएंगे। अरे एक बार मेरी माँ को मेरे हवाले तो करके देख, ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले तू भगवान को बिलबिलाकर पूछेगा कि धरती पर कहीं इंस्पेक्टर विजय तो नहीं खड़ा है। रग ढीली हो गई है तेरे भेजे की दरोगा, जो मौत की छांव में खड़ा रहकर हमको मारने की धमकी दे रहा है। और इसके अलावा बेचारा कर भी क्या सकता है? क्यों मंगला? अरे इस जहरीली नागिन की दोस्ती पर इतना मत आकर ठाकुर। एक बंदूक मुझे दे दे और फिर देख तेरी इस दुनिया का अंजाम क्या होता है। तेरा अंजाम तो मंगला की बंदूक में छिपा है दरोगा। उधर मंगला की उंगली हिलेगी और इधर तेरी चिता चलेगी। क्या सोच रही हो सरदार? पूरी करो अपनी वो कसम की गंगापुर थाने की कुर्सी हमेशा अपने नसीब को रोती रहेगी, क्योंकि उस कुर्सी पर जो भी दरोगा बैठेगा वो तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। याद है ना अपनी वो कसम? कसम भी याद है और वो गालियां भी जो इसने अभी अभी मुझे दी है, और उन गालियों का जवाब मैं इसे बंदूक देख कर दूंगी ताकि मुकाबला बराबर का हो। सरदार ये क्या कर रही है तू? मरने वाले की आखिरी तमन्ना पूरी कर रही हूँ। इसे ललकार कर मारने की तमन्ना है और मुझे ललकार कर मारने का शौक। ठीक है सुनो लड़ाकू, मैं तीन तक गिनूंगा, जैसे ही तीन की बीन मेरे मुंह से बजेगी गोली चल जानी चाहिए। अगर गोली यहाँ नहीं चली तो गोली कहीं और चल जाएगी। एक दो। तीन।
तुमने? अरे बेवकूफ नहीं है हम, बेवकूफों की पहली समझदारी का आखिरी नमूना है। Thank you.
नहीं मंगला, मुझे माफ कर दे, अभी मेरी मरने की उम्र नहीं है। तूने मुझे शराफत से जीने नहीं दिया, भला मैं तुझे कैसे जीने दूंगी। मंगला, अगर मैं चाहता तो ये गोलियां तेरे पीठ पर भी बरसा सकता था, मगर क्या करो, मुझे भी तेरी तरह ललकार कर मारने का शौक है। जला गोले ताकि हम में से एक की कसम पूरी हो सके। देखने वाला जिंदा नहीं रहता, आज मैं तेरा चेहरा भी देखूंगा और जिंदा भी रहूंगा। तुम और मंगला के रूप में? नहीं, मेरा असली रूप है विजय बाबू। नहीं, क्या यही दिन देखने के लिए तुमने मुझे तिलक लगाया था? तुम्हारी वो कसम मेरी जान से ज्यादा प्यारी थी विजय बाबू, जिसे पूरा करने के लिए तुमने अपने पिता की चिता पर तिलक लगाया था। समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें क्या समझूं? एक नसीब की मारी जिसने गिरकर उठना चाहा, मगर तंदी ने उसे उठने नहीं दिया। विजय, मुझे माफ कर दे माँ, सोचा था तेरी बेटी बनकर तेरा सारा कर्ज चुका दूंगी, मगर क्या करूं माँ, बहुत बहुत बदनसीब हूं मैं, तुझसे ज्यादा बदनसीब तो मैं हूं, क्या फिर मैं अपनी बेटी को खो रही हूँ। माँ, माँ, होनी को कौन डाल सकता है माँ? विजय, अगर तुम मुझे सुकून से मरता देखना चाहते हो ना, तो माला को अपना लो विजय, माला को अपना लो। माला, विजय के रुमाल कभी वापस मत करना।